जी धन्यवाद जितिन सिंह जी और जितिन मिश्रा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो यहाँ पर हमने जाना है किस तरीके से जो है सरकार ने और प्रशासन ने मिलकर जो है एक कोरोना काल की जो सेकंड वेव है उससे लड़ाई की है। अब यहाँ पर अगर बात कर ले कोरोना के केसेस की, यानी कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी बुलेटिन में जो है बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 735 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 298 और भोपाल में 137 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कुल 82 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है, जबकि 1934 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोरोना की रफ्तार जो है अब इसमें कमी आना शुरू हो चुकी है, यानी कि धीमी होती जा रही रफ्तार। गीजी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस वक्त थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है, ब्लैक फंगस से हम लड़ रहे हैं, कोरोना का जहां एक तरफ संक्रमण कम होता जा रहा है, तो ऐसे में सरकार अब जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे फोकस करे या फिर दवाइयों पे फोकस करे? देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वेव उठी थी और वेव उठने के बाद जिस तरह से काल कवलित हुए थे लोग, जो अभी भी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सारे प्रयासों के बाद भी जो है अभी टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही जिस तरह से लोगों की होम आइसोलेट हुए हों, चाहे उन्होंने अपने इलाज किए हों, और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जब प्रयोग किया तो रफ्तार कम होती चलेगी। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी, लेकिन अनलॉक होने के बाद वो अवेयरनेस कई जिलों में जो दिख रही है कि वो ढीली पड़ती जा रही है। इसीलिए जो है जिला क्राइसिस कमेटी और जिला प्रशासन को ये मुस्तैदी, जिस तरह से पिछले दिनों चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हर जिले में CST काम करेगी, CST में 3 विभाग के लोग होंगे, वो मौके पे मुस्तैद करेंगे, तय करेंगे, समझाइश देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार लापरवाही ना हो इसकी चिंता करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिए कि कहाँ हम 7वें नंबर पर थे और आज कहाँ 19वें नंबर पर हैं। कई जिलों में स्थितियाँ ऐसी हो गई कि हम 0 तक बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं। और यही हमारे साथ पैनल पे टीएन मनीष चिट्ठू के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि टीएन मनीष जी आपका क्या कहना है कि लगातार जो है यहाँ पर केसेस कम होते जा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद सरकार कर रही है, अब ऐसे में आगे की रणनीति और क्या होनी चाहिए, किस बात पे फोकस रहना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि अनन्या की इस समय ये बहुत सुखद है कि न केवल मध्य प्रदेश में, अगर हम इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो कहां 4 लाख केस थे उसका गिरते गिरते 1 लाख पर मामला आ गया है। अब इसमें यह है कि अनुशासन अगर हम लोग बना के रखते हैं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सहित समूचे देश में जहां जहां भी जिन जिन सूबों में अनुशासन की एक जो विधि या नियम है उसका अगर ईमानदारी से सब लोग पालन करेंगे तो हम तीसरी लहर को आने से भी रोक सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अब यह है कि ये अदृश्य शत्रु है और इससे जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई के जो कोरोना गाइडलाइंस में पैरामीटर्स दिए गए हैं उन पैरामीटर्स के अलावा भी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग इलाके में जिस तरह से इसको विकेंद्रित व्यवस्था का एक नजीर एक पेश की गई और पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में लोगों को अधिकार क्षेत्र अलग अलग दे करके अलग अलग विभागों का जो तालमेल बाद में जाकर के बना उसका ये सुखद नतीजा मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है। और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को सक्रिय किया मुख्यमंत्री जी ने जी, मुझे लगता है कि उसका भी काफी सकारात्मक असर मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खुश होकर के और लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है कि अनलॉक जहां जहां भी किया जा रहा है उसको भी अभी नियमों की प्रयोगशाला में परखा जा रहा है। कारण ये है कि व्यापारियों के साथ ये देखने में आ रहा है कि अगर दाएं छोर की दुकान सोमवार को बंद है और सोमवार को सिर्फ बाएं छोर की दुकानें खोलनी है तो उस दिन दुकान के बाहर शटर खोल करके नहीं बल्कि ताला लगा के ओटले पर लोग बैठ रहे हैं, व्यापारी लोग, और अपने ग्राहकों को पुलिस की गाड़ी का से नजर बचा करके और व्यापार कर रहे हैं, यानी उनको एक दिन का भी सब्र नहीं है। तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो प्रभावित हो रही है। दूसरी जो सकरे बाजार हैं जिनमें सिर्फ एक या दो व्यक्ति जाता, हर शहर में ऐसे बाजार हैं अनन्या जो बहुत सकरे और पुराने बाजार हैं, उन बाजारों में जिस तरह से लोगों को काउंटर्स बाहर करने की व्यापारियों को बात की गई तो उसमें भी प्रशासन के साथ में तालमेल इसलिए नहीं बना क्योंकि उनका कहना था हम कपड़े या अपना सामान रख के कहाँ दिखाएंगे आपको अगर हम ये हटाएंगे तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे अभी ऐसी विसंगतियां बची है जहां पर इस तरह की सघन बस्ती है और सघन बाजार है वहां पुलिस प्रशासन और जितने भी इंसिडेंट कमांडर्स हैं और जो ये क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है उनको लगातार चौकस रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम इन आंकड़ों पर फूल जाएं और बाद में
तीसरी लहर के वक्त हमें परेशान होना पड़े, क्योंकि हमारे पास वैसे भी किशोरों के लिए और बच्चों के लिए जो स्वास्थ्यगत व्यवस्थाएं हैं बहुत बेहतर बुनियादी व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं है। यदि तीसरी लहर अपने प्रकोप पर आएगी तो मुझे लगता है की व्यवस्था को संभालना बहुत बड़ी चुनौती होगी। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पर फोकस करना बहुत जरूरी है, साथ ही दवाइयों के लिए भी जो आपूर्ति है वो करना जरूरी है। टीएन मनीष जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सारी चर्चा के लिए।